स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में मैं नया रॉम लेके आया हूँ पोको के M2 Pro में, जो कि Redmi Note 9 और Note 9 Pro और Note 9 Pro Max में भी काम करेगी। तो देखेंगे क्या कुछ फीचर्स हमें इस रॉम में देखने को। जो ये रॉम का नाम है वो डर्टी यूनिकॉर्न रॉम है और ये एक अनऑफिशियल बिल्ड है। इसमें आपको GF प्री इंस्टॉल्ड इस रॉम के साथ ही देखने को आती है और जो रॉम का जो पैकेज है 1.3 GB का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसको दिखा देता हूँ तो एंड्रॉयड वर्जन 10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। जो सिक्योरिटी पैच है वो 5 सितंबर का देखने को मिलता है। गाइस यहाँ जो कर्नल देखने को मिलता है 4.14.117 यूकी कर्नल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा डिसेंट सा परफॉर्मेंस देता है। आप गेमिंग वगैरह कर सकते हो इस रॉम में, आपको मेजर कोई बग्स देखने को नहीं मिलते। गाइस इस रॉम में एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि इसमें आपको कैमरा का ऐप प्री इंस्टॉल देखने को नहीं मिलता। आप चाहिए तो एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड कोई भी कैमरा इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, आपको इस रॉम में प्री इंस्टॉल कैमरा देखने को नहीं मिलता। तो गाइस DRM इन्फो की बात करूँ तो वाइल्ड 1L3 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि डिफ़ॉल्ट इस रॉम के साथ आता है। और सेफ्टी नेट फीचर की बात करूँ तो वो भी आपको फेल देखने को मिलता है। आप मैजिक्स मैनेजर की फाइल फ्लैश करके बाईपास कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें भी इस रॉम में मिसिंग देखने को मिलती है। अब गाइस बात करते हैं इस रॉम में आपको कस्टमाइजेशन और बाकी क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेस अनलॉक का फीचर आपको देखने को नहीं मिलता। फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जो डिफॉल्ट लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है वो सब इसमें आपको देखने को मिलता है। तो गाइस इसमें आपको ऐप लॉकर का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अब गाइस बात करते हैं इसके कस्टमाइजेशन की, तो यहाँ पे आपको दो एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलता है, थीम्स और डर्टी ट्विक्स। गेस्चर की बात करूँ तो गेस्चर्स यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। गेस्चर आपको तीनों ही देखने को मिलता है, 2-बटन नेविगेशन, गेस्चर नेविगेशन और 3-बटन नेविगेशन। ये तीनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी परफेक्टली वर्क करती है। यहाँ पे गाइस आपको सबसे पहले कस्टमाइजेशन में आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे डर्टी ट्विक्स के अंदर, लॉक स्क्रीन आइटम, मिशीलियस और पावर मेनू। पावर मेनू में आप वॉल्यूम रॉकर बटन वगैरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एडवांस रीबूट रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। मिशीलियस में आपको स्क्रीन ऑफ एनिमेशन देखने को मिलता है, आप स्क्रीन जैसे ऑफ करते तो आपको किस तरह का एनिमेशन देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको हेड नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन आइटम में आपको कुछ क्लॉक्स वगैरह देखने को मिलता है, डबल टैप टू स्लिप भी देखने को मिलता है। जब आपका फ़ोन लॉक रहेगा, आप लॉक स्क्रीन पर डबल टैप क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको स्टेटस बार में बैटरी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी परसेंटेज वगैरह देखने को मिल जाती है, आप आइकन वगैरह उसका सेट कर सकते। कैरियर लेवल देखने को मिलता है, कैरियर लेवल लॉक स्क्रीन वगैरह में दिखाना चाहिए कि नहीं, स्टेटस बार वगैरह ये सब देखने को मिलता है। क्लॉक ऑप्शन में आपको सेटिंग देखने को मिलेगा, होम हाइड फ्रॉम होम, AM/PM का ऑप्शन देखने को मिलता है। नीचे आपको आइकन मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें भी आप आइकन्स वगैरह सेट कर सकते हो अपने जो ये नोटिफिकेशन पैनल है इसमें कौन से आइकन्स देखने मिले। ट्रैफिक इंडिकेटर्स आप सेट कर सकते हो, नेट एक्टिविटी और वो जो आपका स्पीड दिखाता है वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बटन्स में आपको वॉल्यूम रॉकर का ऑप्शन देखने को मिलता है, प्लेबैक कंट्रोल आप यहाँ से सेट कर सकते हो। गाइस नेविगेशन बटन्स आपको देखने को मिलता है, मैंने उसमें आपको पहले दिखा दिया, स्वाइप एक्शन वगैरह इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब गाइस बढ़ते हैं इसके थीम्स के तरफ में, तो थीम्स में भी आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंशिएंट कलर, फॉन्ट टाइप, ये सभी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलता है कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हो आइकन वगैरह यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। तो गाइस ये कुछ आपको इस रॉम में फीचर वगैरह देखने को मिलता है। तो गाइस अब बढ़ते हैं इसके इंस्टॉलेशन के लिए, तो इंस्टॉलेशन के लिए मैं अपना फ़ोन बूट कर लेता हूँ रिकवरी मोड में। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फ़ोन सक्सेसफुली बूट हो चुका है रिकवरी मोड में। यहाँ पे हम सभी चीज़ें वाइप करेंगे, तो इसे सब सिलेक्ट कर लेंगे, इसे कर देंगे वाइप। वाइप करने के बाद आपको सिंपल सा फैक्ट्री रिसेट करना है। ये करने के बाद आपको अपना रॉम की फाइल सिलेक्ट करना है, तो मैंने अपने मेमोरी कार्ड में रख दिया है, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रॉम की फाइल सिलेक्ट कर दिया, इसे कर दूंगा। फ्लैशिंग में गाइस 2 से 3 मिनट लगेंगे, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। और फ्लैशिंग के बाद आपको डेटा आपका फॉर्मेट करना है, उसके बाद आपका रिबूट करना है, तभी आपका रॉम सक्सेसफुली बूट हो पाएगा। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे हम नए वीडियो में नए रॉम के साथ।